जी दोस्तों, निंदर को ज्ञानवी वालों सत श्री अकाल प्रवान करो ते खबरां दे पहले हिस्से च तुहाडा स्वागत। कौमी ते कौमांतरी मुद्दियां नाल जुड़ियां खबरां फेचंग तो खबर। विवादित दक्षिणी चीन सागर च चीन वालों फौज वधाए जाण मगरों अधिकारियों ते कंपनियां खिलाफ अमरीकी कार्रवाई की चीन ने आलोचना की है ते दोष लाए है कि उसने कौमांतरी कानूनों की उलंघना की है। और उंज चीन ने मोड़वी कार्रवाई के संकेत नहीं दिते। चीनी विदेश मंत्रालय के तर्जमान जाओ लिजियान ने आख्या है अमरीकी कार्रवाई चीन के अंदरूनी मामलों च सीधा दखल है जो किसी खास दलील दिते बिना की गई है। नवी दिल्ली तो खबर। कोरोना के लक्षण मुड़ दिखाई देण उत्ते अजे घबराउण की लोड़ नहीं। यह क्या है विज्ञानियों ने कोरोना लाग दे मुड़ उभरन बारे हांगकांग बेल्जियम ते नीदरलैंड च केस आउण मगरों विज्ञानी कहिंदे है कि अजे इस बारे घबराउण की लोड़ नहीं। भारत अते होर मुल्कां दे विज्ञानियों ने कहा है कि भरोसेयोग अनुमानां लई हले होर वधेरे अध्ययन की लोड़ है। बेल्जियम के लाग बारे उगे डॉक्टर मार्क वैन रैस्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत केसों तो लाग दे मुड़ फैलन बारे सिटे नहीं कढ़े जा सकते। लाग दे मुड़ उभरन कारण वैक्सीन तैयार करन दे प्रोग्राम ते भी असर पै सकता है, पर विज्ञानियों ने इस खदशे नूं दूर कर दिता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के रसाले च अध्ययन प्रकाशित होया है कि कोरोना तो तंदुरुस्त होण दे 142 दिनों मगरों व्यक्ति च सार्स कोव 2 की लाग मुड़ उभर आई है। विज्ञानियों मुताबक बहुते लोगों के लाग तो तंदुरुस्त होने के बावजूद कोरोना के लक्षण बरकरार रह सकते हैं। दिल्ली के नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के सत्यजीत रब ने कहा है कि एक अधे मरीज के नाल फिक्र करन दी लोड़ नहीं। जनेवा तो रिपोर्ट अनुसार विश्व सेहत संगठन के यूरोप मुखी डॉक्टर हांस कलूरू ने कहा है कि नौजवानों कोरोना वायरस के वाधे केसा नाल बुजुर्गों च लाग फैलन का खतरा है जिस करके वधेरे मौतां हो सकती हैं। लंडन तो रिपोर्ट। ब्रिटेन च भारतीय मूल के डॉक्टर असीम मल्होत्रा की नवी किताब रिलीज़ की गई जिस विच सेहत मापदंडा च सुधारों बारे आसान तरीके दसे गए। मल्होत्रा की किताब द 21 डे इम्यूनिटी प्लान च अजमाए गए परखे तरीके शामिल किया गया कि किवें सिर्फ 21 दिनों लोग जोखम के खदशे को रोक सकते हैं। कोरोना वायरस समेत वख-वख लागां नूं फैलाउण वाले तत्तां दे बारे भी इस किताब च दस्या गया है। हुण गल करदे हां भारत विच किस तरह के हालात ने। गल करिए एक्टिव केसा की। एक्टिव केस 745,035, ठीक होए 25,08,503। मौत हुण तक भारत 61,725। अज आए केस 76,827। मौत हुई जड़ियां अज दे विच गिणियां 1066 ते कन्फर्म टोटल केसा की गिनती 33,09,236 तक चले गई। चंडीगढ़ तो रिपोर्ट। सूबे च कोरोना वायरस के वाधे केसा दरमियान सूबा सरकार ने नियमों की अणदेखी करके देर रात तक शराब के ठेके खोलण संबंधी मिल रही शिकायतों पर गौर की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP शहर कस्बों में शराब के ठेकों को 6:30 बजे तक सख्ती नाल बंद कराने के हुक्म दे दिए ने। हुण वख-वख शहरों तो जिहड़ियां रिपोर्टां आ रही हैं। अमृतसर साहब तो रिपोर्ट। कोरोना के वाधे केसों कारण अमृतसर ज़िला की हॉट स्पॉट बनने वाल वध रहा है। रोजाना औसतन 60 तो वध कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, पर इसके बावजूद लोग महामारी को गंभीरता नाल नहीं लै रहे। इस वेले शहर का शायद ही कोई अजिहा इलाका बचा होगा जिथे कोरोना पॉजिटिव केस ना मिले होवे। इहो हाल पिंडां दा है। कोरोना पीड़ितों की गिनती वधन कारण शहर के 6 इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऐलान के करफ्यू भी लाया गया। जलंधर च कोरोना के अज 50 केस आए। कांग्रसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा भी कोरोना पीड़ित हो गए। फतेहगढ़ साहब खमानों 2 केस आए। चंडीगढ़ प्रशासन ने अज वड्डा फैसला किया कि कोरोना भावें चल रहा पर वीकएंड लॉकडाउन चंडीगढ़ च नहीं लगेगा। पटियाला के हलका छुतराणा तो कांग्रसी विधायक निर्मल सिंह छुतराणा भी कोरोना पीड़ित पाए गए। कल भी 26 MLA जिहड़े वख-वख पार्टियां के कोरोना पीड़ित सन। बैंकों वालों नूं कोरोना तेजी नाल लपेट विच लै रहा है। अज चुलांग दे बैंक मैनेजर नूं कोरोना पीड़ित पाया गया। फिरोजपुर च कोरोना दे 4 कोर्ट मुलाजम भी कोरोना की लपेट विच आए ने। और इस तो इलावा तुहानूं दस दईए काफ़ी थावां दे उत्ते माहौल इस तरह बनया होया है जिथे हस्पतालां दे विच भीड़ सी, पर पंजाब सरकार नूं इह फैसला लैणा पिया कि भीड़ घटाउण वास्ते इको इक रस्ता जिहड़ा है उह निकल सकदा है। वह रस्ता है कि आपां अपने घरां दे विच एकांतवास कीता जाए ते जिहड़ा इलाज हस्पताल च हुंदा है उही लोगों घर दिता जाए। मौसम की गल करिए अज पंजाब किणवण वाला माहौल दोपहर तीक रहा। रात तो रुक रुक के पेंदे रहे मीह ने मौसम खुशगवार बना दिता। इस मीह का झोने की फसल में काफ़ी फायदा होगा। इन्हीं दिनी झोने की फसल उत्ते सीधी सपाट
नज़र मारीे यानी झाती मारीे तो लगता कि कुदरत ने एक हरियावल भरी चादर जो अमुक है तो लम्मी विछी हुई है सानू बख्शी है। एक सार खलोते झोने की हरियावल अखा ठंडक देने वाली है। मौसमी माहरां ने हाले होर मीह पैण की पिछेनगोई की है। कई थाई ज़्यादा पानी भरन करके छप्पड़ां वर्गा माहौल भी बनिया दिसदा रहा। नेंद्र कुग्यानवी खबरों का पहला हिस्सा सुना रहा है, दूजा हिस्सा भी तैयार है। कुछ एक संदेशों की वारी तो बाद जल्दी तुहाडी सेवा च हाज़र होंदे हाँ जी। दोस्तों नेंद्र कुग्यानवी तो सुनो खबरों का दूजा हिस्सा। जिवें कि तुहानू पता अज पंजाब विधानसभा का सैशन सी विशेष। अज पंजाब विधानसभा च खेती आर्डीनेंस विरुद्ध मता पास किया गया। सैशन विच भारी हंगामा भी होया। अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी काफ़ी रौला पाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सैशन च पुजन नहीं दिता, जदों कि उन्होंने विखावा भी किया पर पुलिस ने उन्होंने गल नहीं गौली। अज करोना संकट के परछावे विधानसभा का सैशन जो एक रोजा सी इसकी कार्रवाई आने समय वास्ते मुलतवी की गई। करोना वायरस के फैलाव दरमियान पंजाब विधानसभा का एक रोजा इजलास महामारी कारण सदन अंदर सख्त प्रोटोकॉल का पालन करता दिखाया, क्योंकि तीन मंत्रियों समेत 26 विधायक लाग तो पीड़ित ने। पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा KP सिंह ने सदन की कार्रवाई शामिल होने वाले सारे विधायकों मुलाजमान कोरोना वायरस की नैगेटिव आई टैसट रिपोर्ट लाजमी कर दी सी। जिन्हें भी MLA गए सारे के हाथों से नैगेटिव रिपोर्टा फड़िया हुई सन। पंजाब विधानसभा के अधिकारी मुताबिक सदन च समाजिक दूरी के नियमों की पालना कराने वास्ते एक बैंच से एक मैंबर बिठाने का प्रबंध किया गया। उंज वाधू बैंचों का भी प्रबंध सी पर कई विधायकों के कोरोना तो पीड़ित होने कारण उन्होंने की लोड़ नहीं पई। हरेक मैंबर मास्क दस्ताने ते सैनिटाइजर वाली भी किट दी गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों पार्टी आगू भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा के पंजाब सरकार के विरुद्ध पंजाब भवन च रोस धरना दिता और इन सारे ने PP किटा पहनिया हुई सन। अज भाजपा के अकालियों ने नाभे च भ्रिष्टाचार संबंधी कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाभे च पुतला साड़िया। नवी दिल्ली तो खबर, GST कौंसल की मीटिंग मगरों कांग्रेस ने कहा है कि वह मीटिंग के नतीजों तो नाराज़ है। कांग्रेस ने दोष लाया कि केंद्र सरकार बहुगिणतीवाद वाली पहुँच अपनाउंदिया राजां नाल धक्के ते मुश्किलों का हल थोपना चाहती है। और वित्त मंत्री पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल ने GST कौंसल की मीटिंग मगरों वर्चुअल प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया कहा कांग्रेस शासित राज्यों च वित्त मंत्री GST कौंसल मीटिंग के सिक्कियां तो ना खुश है। चंडीगढ़ तो रिपोर्ट, खेती आर्डीनेंसा के रोस वजों भाजपा के अकाली आगुआ पिंडों च वड़न तो रोकने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के सदे से किसानों वालों शुरू किए पिंड पिंड नाकाबंदी धरने तीजे दिन भी जारी रहे। धरनाकारियों ने पिंड के मुख रस्तियां ते भाजपा ते अकाली आगुआ के पिंडां विच वड़न ते पाबंदी वाले बैनर लाए हुए सन। जलंधर तो खबर, केंद्र सरकार वालों खेती सुधारां की आड़ हेठ लियांदे गए 3 आर्डीनेंसा की जमहूरी किसान सभा ने सूबे भर च 16 जिलों च कापियां साड़ियां। जथेबंदी ने सूबा सरकार तो मंग की कि पंजाब विधानसभा के अज जिहड़ा सैशन सी इहदे च मता पास करके ना आर्डीनेंस खिलाफ़ मता पास किया जाए तो पंजाब के मंडी प्रबंध ते सूबे के अधिकारां की राखी अपने हाथों में ली जाए। साबका DGP समेत सिंह सैनी जो इस वेले घरों बाहर हैं, कोर्ट ने अज सैनी की गिरफ्तारी से 4 दिन वास्ते होर रोक लाई है। 1 सितंबर तक सैनी नूं फड़िया नहीं जाएगा और अज जांच टीम ने सैनी दी मोहाली ते चंडीगढ़ थावां उत्ते छापेमारी भी की है। मानसा तो खबर, सीनियर अकाली आगू ते साबका MP चिंतन सिंह समाओ जिहड़े 80 साल दे सन उन्हां दा देहांत हो गया। उन्होंने संस्कार अज उन्होंने पिंड विच कीता गया। अमृतसर साहब तो जगतार सिंह लांबा की रिपोर्ट के लापता पावन सरूपां के मामले श्रोमणी कमेटी की अंतरिम कमेटी ने साबका मुख सकत्तर समेत 12 कर्मचारियों विरुद्ध खिलाफ कार्रवाई करदिया 5 कर्मचारियों सेवावां तो बर्खास्त किया जबकि 5 नूं मुअत्तल किया। SS कोहली चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी दीआं सेवावां बंद कीतीआं गईआं ते 75% वसूली लई कानूनी कार्रवाई करन समेत जल्द साजी का ठेका भी रद्द किया गया है। इस दौरान मुख्य सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ मैडिकल साइंस के विहड़े विच अंतरिम कमेटी की मीटिंग मगरों जानकारी दिंदिआं कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने दस्सिया कि अकाल तख्त वालों भेजी गई जांच रिपोर्ट उत्ते कार्रवाई करदिआं साबका मुख्य सकत्तर हरचरण सिंह नूं भी लापरवाही वरतन का दोषी पाया गया। उन्होंने समय च ही यह पावन सरूप प्रकार चो कटे है। उन्होंने इस बारे जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न किए जाना आपसी मिली भुगत का संकेत है। उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा मुख्य सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह ने अस्तीफा तो दिता है जो कि प्रवान कर लिया गया है। सकत्तर मनजीत सिंह मुअत्तल किया गया तो उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई विभागी तौर पर होगी।
दस्या गया कि पब्लीकेशन विभाग के मीत सकत्र गुरबचन सिंह, कलर्क बाज सिंह, हैल्पर दलबीर सिंह नूं नौकरी तो ला दिता गया ते इन खिलाफ फौजदारी धारावां ला के मुकदमा दर्ज किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मौसम का हाल एक बार फिर तो दस दिए, कल देर रात तो पंजाब रुक रुक के मीह पैंदा रहा, इस मीह ने गर्मी जिहड़ी है वह चुक दिती है, पर अज विचों दी जदों बदल छट गए धुप चढ़ गई सी, उस नाल थोड़ा जिहा माहौल हुमस भरिया बन गया सी। मौसम विभाग ने पेशेनगोई की है कि मीह हाले होर आएगा जो झोने की फसल वास्ते लाहेवंद है। निंदर को ज्ञानमी तो तुसी खबरां दा दूजा हिस्सा सुनिया, खबर अज मुकदियां दे इजाजत, मिलदे हैं कल, तद तक लई रब राखा, अपना ध्यान रखना।